सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका फिर से एक नया और ऑसम वीडियो के साथ, ठीक है। और आज हमारी होने वाली है रॉयल एनफील्ड की दोनों बाइक्स की सर्विस। फर्स्ट सर्विस है ये हमारी, ठीक है। और ये सिग्नल्स अपनी बाइक खड़ी है और साथ ही साथ में अपने भाई की बाइक भी खड़ी है और मीटियोर। तो मीटियोर का आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको ढेर सारा और रिव्यू वीडियो भी मिलेगा, ठीक है। फिलहाल तो अभी हम लोग आ चुके हैं कुछ खाने के लिए, तो यहाँ पे यार ये बिरयानी बन रही थी तो मैंने सोचा बिरयानी खा लेता हूँ, क्योंकि रॉयल एनफील्ड एजेंसी में भी ब्रेक हो चुका है तो वो लोग भी अपने लंच वगैरह करने लगे थे। तो हम लोग ने सोचा कि लंच कर लेते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। और काफ़ी मतलब ठीक है, बहुत अच्छा लगा, ये काफ़ी अच्छा बना था बिरयानी, आप देख सकते हो। सो अभी अपनी यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बट वही है कि लंच का समय है तो इसीलिए अभी यहाँ पे कोई लोग ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है। बट स्टिल लेट्स सी कब तक हमें अपनी बाइक मिल सकती है। अपनी बाइक वहाँ पे देख सकते हो वॉश होके खड़ी हो चुकी है, ठीक है। और ये अपने भाई की मीटियोर लग गई है सर्विसिंग के लिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ तो फर्स्ट सर्विस में होता ही नहीं है, तीन ही चीज़ें होंगी, ऑयल चेंज और उसके बाद आपका फ़िल्टर चेंज और चेन लुब्रिकेंट वगैरह ऐड होगा। तो ये बाइक अपनी यहाँ पे लोड हो चुकी है और इसके बाद अपनी बाइक को और भी जो भी काम होगा वो स्टार्ट होगा। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसको ओपन किया जा रहा है, सम कार्ड इसका। सो सम कार्ड वगैरह निकालने के बाद इसका ऑयल अब इसको निकाला जा रहा है। तो ऑयल आप देख सकते हो इतना ऑयल इसमें स्टोर्ड रहता है, और ये ऑयल पूरी तरीके से निकल चुका है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये ही पर्टिकुलर फिल्टर है जो कि चेंज होता है, तो नया फिल्टर ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, इसको यहाँ पे लगा दिया जाएगा। और ये लुब्रिकेंट है, इसको चेन में लगाया जाता है, देख सकते हो आपकी चेन को साफ करके और लुब्रिकेंट को ऐड किया जा रहा है इसमें। तो आप इस चीज़ों का ध्यान दीजिए कि यही तीन चीज़ें होती हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद फाइनली अपनी बाइक एकदम रेडी हो चुकी है इन चीज़ों के साथ, फिल्टर, ऑयल और चेन लुब्रिकेंट, बस यही तीन चीज़ रिक्वायर्ड होती है और आप भी अपनी बाइक को ऐसे रेडी कर सकते हैं। सो हे गाइस, फाइनली आई विल बी टेलिंग यू अबाउट माय एक्सपीरियंस। मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। जो रॉयल एनफील्ड की फर्स्ट सर्विस थी, क्लासिक 350 सिग्नल्स मार्च ग्रे कलर की, ठीक है। सो एक्सपीरियंस काफ़ी मुझे सही लगा, काफ़ी बढ़िया लगा इन लोग का, मतलब काफ़ी क्विकली हो गया था। बस थोड़ा सा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि वहाँ पे शायद जो नंबर ऑफ मतलब मैकेनिक्स थे वो पूरे तरीके से शायद नहीं प्रेजेंट थे, बट नो इशू विद दैट। उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया एजेंसी वालों ने और काफ़ी मतलब जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश की। तो हमारी सर्विस हो चुकी थी और काफ़ी मतलब जो भी चीज़ें थी वो प्रॉपर मैनर में हुई। जो वहाँ पे मैकेनिक्स थे, जो भी लोग थे जो काम करने वाले थे, वो लोग काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहे थे। और थ्री चीज़ें जो मतलब लगी है वो मैंने आपको ऑलरेडी मैं बताया भी हूँ, या फिर आपको फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। तो तीन ही चीज़ें चेंज हुई हैं, एक आपका जो लुब्रिकेंट था ऑयल वो एक चेंज हुआ है, और तीसरा जो फिल्टर था वो चेंज हुआ है, और दूसरा जो था वो फिल्टर, और तीसरी चीज़ थी चेन का लुब्रिकेंट, ठीक है, वो मतलब स्प्रे यूज़ हुआ है। तो ये तीन चीज़ें थी जो फर्स्ट सर्विस में इंक्लूड होती है, ठीक है। और काफ़ी मतलब ठीक था ओवरऑल, जो उसका रेट आया वो 1513 पॉइंट कुछ था, मतलब 1514 रुपये का, मतलब 1514 रुपीज़ का बिल जनरेट हुआ। तो ठीक था ओवरऑल एक्सपीरियंस, मुझे काफ़ी ठीक लगा। और आप भी फ्यूचर में मैं आपसे बोलूंगा कि जहाँ पे भी आप जाएँ सर्विस करवाने के लिए, अगर मान लीजिए इन तीनों के अलावा और भी कुछ चीज़ें इंक्लूड की जाती है सर्विस में, तो अगर आपको रिक्वायर्ड हो तभी आप करवाएं, वरना मत करवाएं, क्योंकि आपका ऐसा हो जाएगा वरना कि ज़्यादा चार्ज लग सकता है या फिर ऐसा कुछ। तो इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखें और उसी हिसाब से चीज़ों को करवाएं, ठीक है। एंड आई होप सो ये पूरी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें पूरी डिटेल में आपको हर एक चीज़ें दिखाई हूँ, हर एक चीज़ डिटेल में मैं बता भी दिया हूँ। तो अपनी सर्विस टाइम से करवाएं, 45 डेज के अंदर में या फिर आपका 500 किलोमीटर्स के अंदर में, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ जो पहले कंप्लीट होती है उसमें आप करवा सकते हैं, ठीक है। चाहे आपका अगर मान लीजिए आपकी 500 किलोमीटर नहीं कंप्लीट हो पाई है तो 45 डेज अगर हो गया है तो आप करवा लें, या फिर अगर आपकी 500 किलोमीटर हो गई है पहले और 45 डेज अभी नहीं हुआ है तब भी आप करवा लें, ठीक है। और उसके बाद अगली जो नेक्स्ट सर्विस होगी वो 5000 किलोमीटर पे होगी या फिर 6 मंथ्स पे होगी, तो फिर उसकी भी मैं सेकंड सर्विस का भी अपलोड करूंगा। जब भी मैं मेरी सेकंड सर्विस होती है मैं उसको अपलोड करूंगा। आगे इस तरह की बहुत सी एक्साइटिंग और वीडियोस आने वाली हैं राइडिंग से रिलेटेड,
ढेर सारी और भी कंटेंट्स आने वाले हैं, कई और भी चीज़ों के, और भी चीज़ें मैं मतलब जैसे ड्राइविंग वगैरह का और भी चीज़ों को करता हूँ या फिर कहीं घूमने जाता हूँ, तो इस तरह की बहुत से इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। आई होप सो आपको वो सब भी वीडियोज़ बहुत पसंद आएंगे। और थैंक्स मेरे और सब जितने भी एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स हैं या वीडियोज़ हैं उन सबको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इसी तरह मेरे फैमिली की तरह मुझसे जुड़े रहिएगा, तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बी हेल्दी, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर देना, ठीक है। काफ़ी मोटिवेशन मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और बस इसी के साथ आज का वीडियो एंड करूँगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हेल्दी और जय हिंद।